तो गाइज मैं आपको आज करवाने वाली हूँ मेरा घर का होम टूर, तो बने रहो मेरे ब्लॉग में। और बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो सबसे पहले मेरी सोसाइटी का नाम है नीलकंठ सोसाइटी, तो दिखा। तो पहले है ना, देखो मेरा फ्रंट पे है, ए फ्रंट पे है मेरा, तो मेरा फोर्थ फ्लोर है। तो मैं अभी यहाँ से मेरी बेल बजेगी वहाँ पर जाके, तो घर में बेटी है अभी, वो गेट खोलेगी मेन गेट पर। हेलो ईशा बेटा, गेट खोलो। खोल रही खोल दो। तो गाइज ये गेट खुल गया मेरा। तो गाइज गेट तभी खुलता है जब नीचे से बेल बजाऊंगी तो खुलेगा। ये पार्किंग हो गई हमारी। और गाइज आपको बता दूं, ये मेरी एक्टिवा खड़ी है, ये मेरी एक्टिवा है। और ये हमारी शिफ्ट खड़ी। और गाइज इसकी हालत आप देख सकते हो, क्योंकि ये ईशु के पापा की जुपिटर है, तो इस पे मैं मेरा नाम भी लिख सकती हूँ। देखो ये कम चलाते हैं इसको, मेरी एक्टिवा लेके जाते हैं जैसे कभी बाहर जाएंगे। तो गाइज ये हमारा हो गया लिफ्ट। वैसे जीना भी है, अगर जीने से जाओ तो जीने से चले जाओ, लिफ्ट से जाओ तो लिफ्ट से। तो बने रहो ब्लॉक में। देखो ये ट्यूशन टीचर भी आ गई, ईशु की ट्यूशन टीचर है। तो टाइम पे आई है इंदु, है सही टाइम पे आ गए। तेरे को मैं दो बार मिल चुकी, एक दिन उस दिन सब्जी लेके मैं खड़ी थी, है ना। तो ये भी ये आती है शाम को 7 बजे। तो कुछ बोलना चाहेगी कैमरे के आगे? भाभी का चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। तेरा भी तो है यार शॉर्ट्स का है। कोई नहीं, जो भी है तुम मेरे चैनल में आ जाया करेगी इंदु तो कभी कभी। तो गाइज मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम आ गए, ब्लेस्ड सोल। ये नाम भी शधरच है। ईशा गेट खोलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, लग गई यार। किसकी लगी? अरे इसकी लग गई। कोई बात, आ जाओ। तो गाइस ये मेरा मेन गेट हो गया, और अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेन गेट हो गया मेरे घर का, हॉल हो गया इसको बोल सकते हो आप, गेस्ट रूम जो भी बोलते हो, ड्राइंग रूम जो भी बोलो। तो ये मेरा टीवी पैनल यहाँ पे है, और ये है ना टीवी पैनल हमने बनवाया था, ये ना कोई नेट पे सर्च करा ये डिजाइन हमने, और ये हमने खुद ने हमारे दिमाग से सोच सोच के मिस्त्री को बता बता के ये हमने बनवाया। तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको हमारा टीवी पैनल कैसे लगा। और स्क्रीन पे भी मैं मिंटू मीना ये देखो ए दांत निकाल रही है। तो गाइज ये हॉल हो गया मेरा, और एक रूम मेरा ये हो गया, इसमें कुछ नहीं होता, बस पूजा होती है और ईशु की बुक वगैरह ये सब होती है इसमें। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टर लगवा रखा है, ये देखो, क्योंकि ये कम काम आता है ना ये रूम, तो ना बच्चों को, बच्चे भी कम घुसते हैं इसके अंदर। तो ये एक रूम ये हो गया मेरा। उसके बाद में चलते हैं हमारा हॉल में ही, जैसे अटैच लेट बाथरूम हो गए ये वाले। ये देखो काफ़ी बड़ा है। और गाइज जैसे आपको ये दो गेट दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये भी रूम है, ये भी रूम है। तो ये आगे के फ्रंट के दोनों रूम हैं, और ये मेरा किचन हो गया। तो गाइज मैं आपको बता दूं, किचन मेरा बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। वैसे सिटी में बहुत छोटे छोटे किचन होते हैं, पर मेन किचन ही होता है कि सबसे ज़्यादा काम इसी किचन में होता है, बाकी तो एडजस्ट कर ही लेती है सब लेडी। तो गाइज ये सब देख सकते हो, ये तो सबके नॉर्मली होता ही है, मेरे भी है ये सब। और ये जो भी है ये इसमें, जैसे मैं मसाले वगैरह रख देती हूँ। और मेरा मेन किचन का कुछ ऐसा नहीं है, दो चीज़ मेरी ऐसी है, देखो आपको ये बता दूँ। जैसे ये मेरा ये है, सॉरी चिमनी है,
तो चिमनी का मैंने ऐसे सिस्टम कर रखा ना कि इसका ऊपर से वो निकलवा के पाइप को दिखने नहीं दिया कहीं से भी हमने, मतलब ऐसे मैन कर दिया कि उधर से हमने पाइप अंदर ही अंदर से निकलवा दिया। एक चीज़ तो ही हुई, दूसरी चीज़ मेरा मैंने आरओ फिट करवाया इसी के अंदर। देखो ये मेरे बच्चों की दवाई वगैरह मैंने आरओ अंदर ही फिट करवाया है। ये मैं दो चीज़ है, बाकी तो फर्नीचर सबके सेम ही होता है और मैं ज़्यादा कुछ। ये मेरा फ्रिज हो गया और गाइज एक रूम ये हो गया, तो आपको दिखाती हूँ। सॉरी, एक रूम मेरा ये हो गया। आपको बताऊँ ये रूम है ना, ईशू ने अपना रखा है कि ये रूम मेरा है। वैसे वो रहती नहीं है पर उसकी सोच है, उसके दिमाग में एक चीज़ सोच रखी है कि ये मेरा रूम है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बच्चा अगर खुश है तो वैसे ना हम उसको सोने देते हैं इसमें ना कुछ, पर उसका रूम हो गया। हाँ, और एक चीज़ ये है कि हम इस रूम में से भी बाहर जा सकते हैं। ये मेरी बालकोनी हुई। तो गाइस आपको बता दूँ, आप बताना कमेंट करके कि सच में ही इस बालकोनी में इतना स्पेस है ना कि हम है ना चारपाई बिछा के भी, छोटा वाला चारपाई तो आराम से बिछा सकते हैं इसमें। काफ़ी अच्छा स्पेस है बालकोनी में। और गाइस ये मैंने नेट लगवा रखा है, तो ये ना इसलिए लगवा रखा है कि वो कबूतर आते हैं बहुत ज़्यादा बीट वगैरह करते हैं। तो ये मेरा होल वाला एसी हो गया, ये वाला होल वाला है, ये ईशू के रूम का हो गया और ये मिंटू मीना का रूम का हो गया। अब इसके पापा का खरीदेंगे, वो बाकी है। वैसे आपको बता दूँ इसके पापा का कोई रूम भी नहीं है, वो हमारा ही रूम है। और तो गाइज एक रूम मेरा ये हो गया, दूसरा रूम मेरा ये है। तो इसका भी सेम वही है कि वो आगे उस गेट से आओ और इससे निकल जाओ। तो इसको इसमें कुंडी लग रही है, इंदु खोलना, इसमें अभी ईशू ट्यूशन पढ़ रही है। कोई बात नहीं, आराम से खोल दो। पढ़ पढ़ अपना पढ़। तो गाइज एक रूम मेरा ये हो गया और एक रूम में ना ये लेट बाथरूम अटैच हो कर दिए, ये वाला लेट बाथरूम हो गया रूम में। और ये एसी लगवा रखा हमने इस रूम में भी, और इसमें भी हमारा बाहर जा सकता, मतलब बालकोनी में आराम से इसी रूम से हम बाहर भी आ सकते हैं। तो ये ईशू ट्यूशन पढ़ रही है। इंदु एसी चला ले ना, अगर गर्मी नहीं लग रही तो देख ले। तो गाइज आपको मैं बता दूँ, एक रूम मेरा ये हुआ, एक वो हो गया और ये होल हो गया। और आपको एक चीज़ नहीं बताई, मेरी ईशू ने इतना कलेश करा था ना जब ये वाला एसी आके लगा था ना, ये वाला होल वाला, फिर मेरा भी लग गया था, इसमें भी लग गया था। ईशू ने ऐसा आतंक मचा दिया था ना घर में, सच बताऊँ बहुत बुरा हाल किया था कि मुझे मेरा उसका, बल्कि वो आती भी नहीं है इस रूम में। तो गाइज आपको बताती हूँ, फिर उसने अपनी विंडो एसी लगवा के ही मानी, नहीं रुकी वो लड़की, मानी नहीं, वैसे चलता नहीं है पर ठीक करा उस लड़की ने, जिद करी। तो कोई आता है हमारे गेस्ट वेस्ट तो उस टाइम पे हमें दिक्कत नहीं होती, हम चला देते हैं। तो गाइज बने रहो ब्लॉग में और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो ये मेरे जो फैन लगे हुए हैं ना, ये इसके पापा के पसंद की है, झूमर जो है ना इसके पापा ने पसंद करी थी। और ये जो फ़ैन है ना, तो इनका एक चीज़ बताती हूँ आपको कि जैसे एसी भी चलाते हैं तो रिमोट से चलती है, टीवी चलाए तो रिमोट से चले, और हम फैन चलाएंगे जैसे आपको दिखाती हूँ। ये फ़ैन मैंने चला दिया, ये रिमोट से चल गया, जैसे इसकी लाइट भी ऑन हो जाती है। आपको बताओ ये देखो ऑन हो गई। तो गाइज मेरे डुगू ने एक दिन सोचा कि भाई चलो टीवी भी रिमोट से, एसी भी रिमोट से, साले फैन भी रिमोट से। तो डुगू ने एक दिन यहाँ से रिमोट उठाया एसी का, गेट खुला था बाहर जाके, और लिफ्ट को चालू कर रहा है, सच में लिफ्ट को ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे मम्मा मम्मा, मतलब वो कह रही है मुझे कि मम्मा ये क्यों नहीं खुल रहा, जब सब चीज़ इससे चल जाती है तो ये क्यों नहीं खुल रहा। मैं सोची भाई डुगू तूने भी सही दिमाग लगाया होगा, तेरी उसकी जगह वो सही था। तो गाइज बच्चों में ये चीज़ें हरकतें होती भी है, क्योंकि अगर घर में ऐसी ऐसी चीज़ होती है ना, बच्चा देख रहा है कि फ़ैन भी रिमोट से। वैसे मैंने भी पहली बार ही लगवाए थे फ़ैन अभी इस घर में, नहीं तो मैंने कभी नहीं देखा था कि भाई रिमोट वाले फ़ैन आते हैं। तो चलो गाइज मेरे साथ बने रहो, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी छत। तो मेन तो मेरी छत ही है, घर तो है ही लेकिन छत तो बहुत ज़रूरी है। तो बने रहो ब्लॉग में।
मेरी छत है और आप देख सकते हो कितनी लंबी चौड़ी पूरी कितनी अच्छी छत है मेरी। पूरा 100 गज की छत है, ये पूरी ओपन है मेरी छत। तो अभी थोड़ा सा इसका काम करवाना बाकी है, टाइल्स टूल्स हम लगवाएंगे। तो गाइज मैंने ना पेड़ भी लगा रखे हैं, देखो ये एलोवेरा हो रहा, और एलोवेरा तो मैंने खूब सारा कर रखा है। ये देखो ये मेरा कड़ी पत्ता हो गया, और इधर देखो क्यों यार, जब अपनी छत हुई तो उसको यूज लेना चाहिए ना। देखो बैंगन आ रहे हैं मेरी छत पे, मैंने लगाया था कट्टे के अंदर डाला है, एक ये आ रहा एक ये आ रहा। तो है ना ये बैंगन हम कम ही खरीदते हैं, सब्जी भी कम बनती है, तो इतने से तो इनमें आ ही जाते हैं, 2-4 बैंगन आ जाते हैं, 2 आलू डालो और सब्जी बन गई। तो गाइज आपको मैंने होम टूर भी करवाई दिया, ये मेरी छत है। तो आपको कैसा लगा, अगर मेरा घर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे ढेर सारा प्यार भी देना। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, तो करते हैं बाय बाय।